गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर। लास्ट डे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 10। ठीक है, एक ऐसा पेयर नेगेटिव इंटीजर्स का लेना है जिसका डिफरेंस क्या हो, 10 हो। देखते हैं हम लोग क्या किया। हम लोग फर्स्ट इंटीजर ले लिया -15। ठीक है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इंटीजर लिया -5। देयर डिफरेंस क्या हो जाएगा, -5 माइनस माइनस प्लस, है ना। तो -5 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया, तुम्हारा 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है तुम्हारा, राइट अ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 6। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम क्या हो, 6 हो। लेट नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू -4। मतलब आप लोग कुछ भी, कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसका सम क्या हो, 6 आता हो। ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हम क्या लिया, -4 लिया। पॉजिटिव नंबर क्या लिया, 10 लिया। देयर सम क्या जाएगा, 10 प्लस माइनस 4। तो 10 प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू क्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 होगा, क्योंकि 10 के साथ पॉजिटिव साइन है, इसलिए क्या होगा, 6 भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -4। तुम लोगों को क्या लेना है, नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लेना है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर का पेयर जिसका डिफरेंस क्या हो, -4 हो। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्विज ऑफ 3 राउंड्स, ठीक है, टीम ए स्कोर 50 -20 एंड 15। फर्स्ट राउंड में टीम ए कितना लिया, 50, नेक्स्ट में -20 एंड थर्ड में 15। इसी तरह सेम स्कोर किया, बी भी की स्कोर किया है 75 -50 एंड -10। ठीक है, टीम सी भी क्या स्कोर किया, 80 -40 एंड 20। तो क्वेश्चन बोल रहा है, विच टीम वॉन, कौन सा टीम जीता, व्हाट आर द स्कोर्स ऑफ ऑल द 3 टीम्स, तीनों टीम्स का कितना स्कोर हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट राउंड में वो 50 लाया, फिर -20 एंड 15। ठीक है, हम तीनों को ऐड करेंगे, 50 प्लस माइनस माइनस 20 एंड प्लस 15। 50 प्लस 15 इज इक्वल टू 65। 65 माइनस 20 इज इक्वल टू 45। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, टीम बी पहला फर्स्ट राउंड में 75, सेकेंड राउंड में -50 एंड थर्ड राउंड में -10। तो हम लोग इसका देखते हैं, 75 प्लस माइनस माइनस 50 प्लस माइनस माइनस 10, 75 माइनस माइनस क्या होगा, ऐड होगा, इन साइन क्या होगा, ग्रेटेस्ट का यानी 50 का ही होगा। दैट मीन्स इतना इज इक्वल टू क्या होगा, 15। ठीक है, नेक्स्ट टोटल स्कोर ऑफ टीम सी, 80 प्लस -40 प्लस 20, 80 प्लस माइनस माइनस 40 एंड प्लस 20 इज इक्वल टू, 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। यानी सबसे ज्यादा स्कोर किसका आया है, टीम सी का। कौन विन हुआ, टीम सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक सो दैट बोथ साइड्स आर सेम, नेम द प्रॉपर्टी यूज टू बैलेंस बोथ साइड्स। ठीक है, तो यानी कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो दोनों दोनों इक्वल है, और उस प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है हम लोगों को। ये तो -6 प्लस -8, और इधर क्या -8 है, दैट मीन्स इधर और क्या होगा, -6 होगा, और ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया हमारा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट इधर तुम्हारा 24 है प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे क्या हम लोग करेंगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, दैट मीन्स 24 प्लस -24, एडिटिव इनवर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू क्या होगा, -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -60 प्लस क्या होगा, यहाँ पे जो -60 वैल्यू जो चेंज नहीं करेगा, जब हम लोग बताया था कौन सा नंबर रहता है, वो 0 रहता है, कि यानी कि हम जीरो किसी भी डिजिट में अगर हम 0 ऐड करेंगे उस डिजिट का वो वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। 50 प्लस -50 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, कौन सा, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला 7 प्लस ब्रैकेट -6 प्लस 5। अब क्या क्या है, 5 और 6 का, 5 और सॉरी 7 का
ग्रुप बना हुआ। हम लोग क्या किसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि हम लोग किसी भी दो ग्रुप दो डिजिट का ग्रुप बना करके उसको सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल होगा, दैट मीन्स यहाँ क्या होगा माइनस सिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस एट ब्रैकेट ट्वेल्व प्लस माइनस सेवन। यहाँ एट और माइनस सेवन है तो हमको क्या चाहिए ओनली ट्वेल्व चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज माइनस फाइव इफ वन ऑफ देम इज माइनस फिफ्टीन फाइंड द अदर वन। ठीक है, दो इंटीजर का डिफरेंस दिया हुआ तुम्हारा क्या है माइनस फाइव और उसमें से एक क्या है माइनस फिफ्टीन, तो थर्ड एक जो एक इंटीजर तो दिया हुआ माइनस फिफ्टीन तो एक और इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टेन, अ काइट वॉज फ्लाइंग 50 फीट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। वो ग्राउंड लेवल से कितना फीट ऊंचा है 50 फीट, सडनली इट लॉसेस 20 फीट इन हाइट ड्यू टू वाइंड। वो तूफान की वजह से 20 फीट नीचे आ गया। ठीक है, 50 में था, अब कितने में आ गया 20 फीट नीचे, दैट मीन्स ग्राउंड लेवल से वो कितने में आ गया 30 फीट में। तो आप लोग जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।